हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम आपके सामने जो आम का पौधा फल के साथ में प्रस्तुत करने जा रहे हैं, यह आम्रपल्ली आम है। तो दोस्तों, आम्रपल्ली और दशहरी थोड़ा डिफरेंस होता है, ज़्यादा नहीं। तो आम्रपल्ली जो होता है वह झुक्के के साथ में लगता है, एक एक झुक्के में चार चार पाँच पाँच छः छः सात सात आम लगते हैं, और दशहरी इस प्रकार का नहीं लगता। दशहरी ज़्यादा से ज़्यादा दो, एक झुक्के में दो या तीन। लेकिन यहाँ जो इसकी थोड़ी जो एंड टिप जो होता है, मिट्टू के चोस के टाइप का होता है, देखिएगा इसमें, यहाँ देखिएगा थोड़ी बाक रहती है, इसकी एक पहचान रहती है। और इसके जो पत्ते रहते हैं फ्लैट रहते हैं, एज जो रहती है पत्तियों की वहाँ कर्ल टाइप की नहीं रहती, जनरली फ्लैट टाइप का रहता है इसका पत्ता, और लंबा टाइप का रहता है इसकी पत्तों की पहचान। क्योंकि इसके पहले हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने इसका आम्रपल्ली आम की पत्तियाँ और पौधा पत्तियों के आधार पर किस प्रकार पहचाना जाए, वहाँ उसका डिस्क्रिप्शन मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी है कि आम्रपल्ली आम की पौधे की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो इसके पत्तियाँ फ्लैट रहती है और लंबी टाइप की रहती है दशहरी की तुलना में, और गुच्छे के साथ में लगता है, और इसकी जो टीफ होता है नीचे का लोअर पार्ट वहाँ थोड़ा बगा हुआ बाक टाइप का होता है, यानी पैरट के टाइप का। यहाँ देखिएगा इसकी चोच टाइप का, दशहरी में इतनी चोच नहीं होती जैसे आम्रपल्ली में होती है। और आम्रपल्ली